तो पिछले वीडियो में जैसे कि हमने बात की कन्या लग्न वालों के लिए शनि का जो कुंभ में गोचर होगा वो कैसा रहेगा, इस वीडियो में तुला लग्न की बारी आती है। और तुला लग्न के लिए अगर देखा जाए तो शनि का गोचर 2023 में उनके पंचम भाव में रहेगा। इस कुंडली में आपके शनि चौथे घर के भी स्वामी है और पंचम के भी स्वामी है, तो ऐसे में क्या प्रभाव आपको देखने को मिल सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले शनि के आगे के गोचर को थोड़ा देख लेते हैं जिससे हमें थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो शनि के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो 17 जनवरी 2023 को शनि का कुंभ में प्रवेश होगा। ये शनि का परमानेंट गोचर होगा, यानी जिस प्रकार से ये नेचुरली जो गोचर करते हैं वो ये गोचर होगा। और 17 जून 2023 को ये कुंभ में वक्री हो जाएंगे। तो ये जो यहाँ पे समय है जनवरी से लेकर जून तक का, इसमें ये हम ये कह सकते हैं कि मार्गी स्थिति में रहेंगे। उसके बाद 17 जून 2023 से 4 नवंबर 2023 तक कुंभ में वक्री रहेंगे। तो ये जून से लेकर लगभग 4 नवंबर तक यहाँ वक्री हो जाएंगे। तो एक बस दिसंबर का महीना यहाँ बचेगा, बाकी जून से लेकर ये नवंबर तक वक्री हैं। और हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है 17 जनवरी से लेकर 17 जून तक का समय, जिसमें ये अपना मार्गी प्रभाव देंगे, यानी ये डायरेक्ट रहेंगे। तो ऐसे में हमारे लिए 2023 को अगर देखा जाए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जनवरी से लेके जून तक का जो शनि का रिजल्ट रहेगा वही रहेगा। तो इसकी ही हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में। और आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो देखिए बात कर लेते हैं यहाँ पे शनि का प्रभाव क्या रहेगा। शनि के प्रभाव की अगर बात करें तो आपको इसके लिए कुंभ के शनि को समझना चाहिए। कुंभ का जो शनि होता है काफी अच्छा होता है ओवरऑल, और वो रिजल्ट आपको एक नॉर्मल वे में देता है। इसी तरह से शनि आपको जिम्मेदारी बहुत ज्यादा दे देता है यहाँ पर कुंभ का शनि, लेकिन उतनी ज्यादा मेहनत जितनी कि वो मकर में करवाता है वो आपको ये नहीं करवाता। रिजल्ट अच्छे देता है, आपके मन के मुताबिक देता है, और यहाँ पर शनि जिम्मेदारी को बढ़ाता है। सबसे ज्यादा आपकी जो जिम्मेदारी है वो बढ़ जाएगी और आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। इसी तरह से ये जो जिम्मेदारी होगी वो आप खुद लेंगे, यहाँ पे शनि आपके ऊपर थोपेंगे नहीं, आपको रिजल्ट अवश्य मिलेंगे, अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आपको एक नेचुरल स्पीड से वो रिजल्ट देने वाले। तो यहाँ किसी भी तरह का जो आपको विवादों का सामना करना पड़ रहा हो या और कोई मुश्किल आपको झेलनी पड़ रही हो उसको लेके शनि आपके लिए काफी अच्छा करते हैं। इसी तरह से शनि यहाँ एक समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, एक कलेक्टिव रूप को शनि यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो शनि का प्रभाव रहेगा काफी अच्छा रहेगा। अब आपको आपके चार्ट में देखना पड़ेगा कि शनि कौन से भाव में बैठे हैं, तो उस भाव से संबंधित आपके जो रिजल्ट हैं वो प्रभावित होंगे और इनकी दृष्टियों को भी आपको देखना चाहिए। अब ये जो शनि का गोचर रहेगा इसमें सबसे ज्यादा प्रभाव किन लोगों को देखने को मिलेगा, जिनकी शनि की महादशा चल रही हो और किसी की अगर अंतरदशा भी चल रही है तो उनको भी इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्ट उन पे पड़ेगा जिनकी महादशा चल रही हो। तो अब हम बात कर लेते हैं इनका रिजल्ट आप लोगों के लिए क्या रहेगा। आपको पता है पंचम भाव हमारे इमोशंस का भाव है, हमारी भावनाओं को हम पंचम भाव से देखते हैं, हमारी मेमोरी हमारी जो बुद्धि है वो हम पंचम भाव से देखते हैं, संतान वगैरह इनका सबका विचार और आपकी एजुकेशन का विचार पंचम भाव से किया जाता है। तो सीधा सीधा अगर हम इनका रिजल्ट देखें तो आपकी जो भावनाएं हैं उन पर शनि का प्रभाव पड़ेगा। अपनी जो भावनाएं हैं वो आप काफी सीरियस रखेंगे, यानी आप इमोशनल नहीं होंगे, काफी सीरियस व्यवहार करेंगे। इसी तरह से आप अपनी संतान के साथ बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे संबंधों को लेके। अब ऐसा नहीं है कि संतान के साथ आपका विवाद हो जाएगा या किसी तरह की और परेशानी या कोई और दिक्कत आ जाएगी, लेकिन आप संतान के प्रति काफी सीरियस होने का मतलब आप उनकी केयर अच्छे से करेंगे और उनसे जो कुछ आप चाहेंगे वो एकदम स्पष्ट उनको बोलेंगे। अब यहाँ शनि का आना ये दिखाता है कि जातक अपनी एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है या आगे के फ्यूचर की जो एजुकेशन है उसको लेके वो बहुत ज़्यादा सोच विचार करेगा, वो सही डिसीजन लेगा। और कुंभ का जो शनि होता है काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी को दिखाता है, काफ़ी ज़्यादा वो एक तरह से कलेक्टिव रूप में और काफ़ी ज़्यादा एक पुश दिखाता है। जिस भी भाव में शनि होगा कुंभ राशि में उसको वो एक धक्का सा देता है, यानी वो एक सामूहिक रूप से उसको आगे बढ़ाता है। तो ऐसे में आप एक बहुत बड़ा कोई प्लान बना सकते हैं अपनी संतान के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए आप पूरी तैयारी करके आगे बढ़ सकते हैं।
इसी तरह से आपकी बुद्धि यहाँ पे काफी सीरियस हो जाएगी। आप जो कुछ भी याद रखना चाहेंगे वो आपको याद रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा है और जो नॉर्मल लोग हैं उनके लिए भी अच्छा है। इसी तरह से यहाँ पर आपको संतान की प्राप्ति हो सकती है, और ये संतान की प्राप्ति आपकी डिले नहीं होगी, बिल्कुल नॉर्मल समय पे आपको संतान की प्राप्ति होगी। इसी तरह से प्रेम संबंधों को लेकर भी आप बहुत ज्यादा एक तरह से एक्टिव हो जाएंगे और बहुत ज्यादा आप जिम्मेदार भी हो जाएंगे, क्योंकि शनि जिम्मेदारी को आपके बढ़ा देगा। इसी तरह से संतान के प्रति जो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है उसको आप पूरा करेंगे। इसके साथ साथ देखिए, जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, तो जो लोग भी पैसा लगाते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए अगर लगाएं और एक लंपसम अगर वो इन्वेस्टमेंट करें तो उनको ज्यादा अच्छा रहेगा, और वो SIP के रूप में उतना इन्वेस्टमेंट ना करें तो ज्यादा यहाँ पे बेटर आप लोगों को रहेगा। अब वैसे तो SIP कोई खराब सिस्टम नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक कलेक्टिव रूप को देखना है, एक सामूहिक रूप को देखना है। तो जितना भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए करना है, और जैसे 2 लाख रुपए या 5 लाख रुपए आपको इस तरह से अमाउंट जो लगाना है एक साथ लगाना है। आप शेयर मार्केट के कार्यों को लेके बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ऑब्सेस्ड या फिर सीरियस रहेंगे, तो ये जो जिम्मेदारी है वो शनि आपकी इस भाव के प्रति बढ़ा देगा। इसी प्रकार से शनि आपकी जिम्मेदारी अपनी फैमिली के लिए, अपने फोर्थ हाउस के कार्यों के लिए, घर के सुख के लिए, इन सब के लिए भी बढ़ाएगा, क्योंकि वो आपका फोर्थ लॉर्ड भी है। लेकिन आपको जो रिजल्ट देगा, रिजल्ट आपको जरूर यहाँ पे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि शनि आपको मेहनत करवा ले या आपको सीरियस बना दे और रिजल्ट ना दे। तो अब हम इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इनकी सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ेगी, जो तीसरी दृष्टि इनकी रहेगी यहाँ से, और इससे आपको ये अंदाजा लग जाएगा कि ये सप्तम भाव के प्रति आपको काफी सीरियस बनाने वाले हैं। तो आपका पार्टनर और आप काफी जिम्मेदारी लेंगे एक दूसरे के प्रति, आप वफादारी निभाएंगे और अपने रिश्ते को काफी अच्छे से निभाएंगे। यहाँ पर अगर किसी भी तरह का मनमुटाव होता है तो वो सही के लिए होगा, यानी आप हो सकता है अपने पार्टनर का सही से साथ नहीं दे पा रहे, या वो आपका साथ सही से नहीं दे पा रहे। और यहाँ शनि अपनी नीच की राशि को देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको खराब परिणाम शनि यहाँ देंगे, क्योंकि यहाँ जो परिणाम रहेंगे शनि कुंभ राशि से इसको देख रहे हैं इस भाव को, तो ऐसे में मंगल की स्थिति बहुत ज्यादा मैटर करती है। और यहाँ मंगल की जो दोनों राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, दोनों को ही शनि देखेंगे, तो इस वजह से आपको मंगल की प्लेसमेंट भी जरूर देखनी होगी। अब ये जो शनि रहेगा, आपको अपने मैरिड लाइफ में आपकी जिम्मेदारी क्या है, आपको अपने पार्टनर का साथ देना है, आपकी मैरिड लाइफ में जो आपके ऊपर और आपके पार्टनर दोनों के ऊपर की जो जिम्मेदारी है, और कहीं ना कहीं एक दूसरे का जो आपका आत्मसम्मान है उसके प्रति आपको अलर्ट करेगा। एक हस्बैंड या एक वाइफ होने के प्रति आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, बिजनेस में अगर आप हो तो आपकी बिजनेस में क्या जिम्मेदारी है, बिजनेस के प्रति आपकी क्या सोच है, तो वो शनि यहाँ निर्धारित करने वाले। इसी तरह से आपकी अगर किसी तरह का कोई विवाद चल रहा है, कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको रिलीफ मिलने वाली है। तो यहाँ पर शनि आपको न्याय करते हुए नजर आएंगे, ये काफी न्यायप्रिय जो फैसला होगा वही करेंगे यहाँ पर, और इस वजह से आपकी मैरिड लाइफ में आ रही दिक्कतें भी समाप्त हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि आपको अनुशासन में रहना होगा, अपनी मैरिड लाइफ के प्रति बहुत ज्यादा सोच विचार करके बहुत सॉलिड आपको डिसीजन करना होगा। अपने पार्टनर के साथ आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है उसको शनि काफी सीरियस कर देगा यहाँ पे। इस वजह से कहीं ना कहीं आप तो सीरियस होंगे, लेकिन आपका पार्टनर हो सकता है आपसे कुछ ज्यादा चाहने लगे, वो आपसे ज्यादा सेफ्टी की मांग करे, या वो जो भी रिलेशनशिप में जो संतुष्टि है वो कहीं ना कहीं वो ज्यादा चाहता हो, तो वो आपको यहाँ ध्यान रखना होगा अगर आप तुला लगन की है। इसी तरह से आपकी अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप में मान लीजिए बिजनेस में आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है, और भी आप अगर राजनीति से जुड़े तो लोगों के प्रति आपका क्या रुझान है, लोगों के प्रति आपकी क्या सोच है, तो उन मैटर्स को लेके आप बहुत ज्यादा सीरियस होने वाले हो। इसी तरह से आपका जो पब्लिक लुक है वो भी यहाँ पे शनि निर्धारित करेंगे, पब्लिक में आपके प्रति कैसी सोच है, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, और आपका जीवन साथी आपको किस तरह का सम्मान देता है, जीवन साथी आपके बारे में क्या सोचता है, आप अपने जीवन साथी के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब मामलों में आपको शनि यहाँ पे पूरी जिम्मेदारी देने वाले हैं।
और काफी सीरियस बनाने वाले हैं। इसी तरह से ये भी हो सकता है कि आपका पार्टनर और आप स्वयं अपने संतान के प्रति बहुत ज्यादा जिम्मेदारी से अपना जो फर्ज होगा वो आप निभाएंगे। तो यहाँ से शनि की जो सातवीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके लाभ स्थान पे पड़ेगी। तो लाभ स्थान में देखिए, लाभ स्थान पर जब भी दृष्टि पड़ रही है तो लाभ आपको अवश्य देंगे, ऐसा नहीं है कि आपको लाभ ना होगा। इसी तरह से आप अपने बड़े भाई के साथ रिलेशनशिप, अपने दोस्तों के साथ रिलेशनशिप को लेके बहुत ज्यादा यहाँ पे कुछ चाहने वाले हो, कुछ जिम्मेदारी से काम करने वाले हो। तो ये जो आपको शनि एक मैच्योर थिंकिंग देता है, एक सही डिसीजन लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो शनि आपको देता है वो कुंभ राशि का ही शनि दे सकता है। इस वजह से हो सकता है कुछ कुछ दोस्तों के साथ आपका कई बार मनमुटाव भी हो जाए, लेकिन जो दोस्त वास्तव में आपका साथ देंगे उनका साथ आप देते हुए यहाँ नजर आएंगे। इसी तरह से आपके पास धन हर तरफ से आता रहेगा, धन की कोई कमी नहीं होगी। भले ही थोड़ा सा धन की जो आवक है वो स्लो रहेगी, यानी धन जो आएगा वो धीरे धीरे जरूर आ सकता है, लेकिन आपको शनि यहाँ पर काफी ज्यादा धन देने के लिए भी जाने जाएंगे। तो अगर आपको महादशा चल रही है तो इस दौरान आपको धन अवश्य मिलने ही वाला है, क्योंकि उस स्थिति में आपके जो शनि के प्रभाव है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसी तरह से शनि का आपके लाभ स्थान को देखना, आप प्रॉपर तरीके से और सही काम करते हुए अपने धन को बढ़ाने वाले हो, यानी आप कोई भी इलीगल काम नहीं करने वाले हो, आप न्यायप्रिय होकर और सही फैसला लेकर आगे बढ़ने वाले हो, आप अपनी मेहनत से और सही तरीके से धन अर्जित करने वाले हो। यहाँ पे शनि की जो अगली दृष्टि पड़ेगी, दसवीं जो इनकी दृष्टि रहेगी वो पड़ेगी आपके सेकेंड हाउस पे। सेकेंड हाउस पे इनकी दृष्टि पड़ने की वजह से आप अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस होंगे, अपने खान पान के प्रति, अपनी वाणी के प्रति। तो कई बार हो सकता है आप बहुत ज्यादा सत्यवादी भी हो जाएंगे शनि के इस गोचर में। सत्यवादी होना कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है आपकी बातें बुरी लग सकती हैं, सत्य बात कोई सुनना नहीं चाहता। तो कई कई बार आपके रिलेशंस भी कुछ लोगों से खराब हो सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सत्य का सहारा लेंगे, आप न्यायप्रियता का सहारा लेंगे, आप अपनी फैमिली के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारी बनती है या आपके पार्टनर की आपकी फैमिली के प्रति जो भी जिम्मेदारी बनती है वो आप अपने अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले। इसी तरह से आपको यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का फायदा, यहाँ पर कोई फैमिली में अन्य फायदा मिलने वाला है धन से संबंधित या प्रॉपर्टी से संबंधित। तो ये समय में आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आप अपने भोजन के प्रति काफी अलर्ट रहेंगे। आप कई बार ऐसा होगा जब आप बहुत जल्दी किसी बात पे प्रतिक्रिया दे देंगे, तो ये आपको थोड़ा सा देखना होगा। इसी तरह से जो शनि का यहाँ पे प्रभाव है, कई कई बार आपके फैमिली के जो सदस्य हैं उनके साथ काफी खींचतान वाली स्थिति भी बन सकती है, क्योंकि शनि आपको इतना ज्यादा सीरियस कर देगा फैमिली के प्रति कि आप शायद फैमिली को अनुशासन में रखना चाहेंगे, आप अपने कंट्रोल में फैमिली को रखना चाहेंगे। इसी तरह से जो यहाँ पर सप्तम पर इनकी दृष्टि पड़ रही है उसमें भी आपको अनुशासन, मैरिड लाइफ में अनुशासन, बिजनेस में अनुशासन, इन सब का अवश्य ध्यान रखना होगा, और तब जाकर आपको यहाँ पर शनि से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करना चाहिए। और शनि यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट देने के लिए ही आते हैं। जब भी आप देखना शनि कुंभ राशि में होते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी देखा जाए तो ये लाभ स्थान की राशि बनती है, और मकर की तुलना में जो कुंभ का शनि होता है काफी ज्यादा अच्छा होता है, वो एक बहुत मैच्योर थिंकिंग देता है, एक सही दिशा में आप लोगों को आगे बढ़ाता है। तो फिलहाल आपको ये जो गोचर रहेगा लगभग 5-6 महीनों का, काफी शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति काफी अच्छी हो। फिलहाल ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।